हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं बस ऐसे ही घूमने। मेरे साथ है सनी, रूमी, रूमिया, हाय कन्फर्म रूमी, ओके। इनका नाम मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ, है तो रूमी लेकिन मैं रूबी रूबी बुला रही हूँ। एंड हमें खुद नहीं पता है कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। अभी हम लोग डिसाइड करेंगे किधर जाएँ। क्या है ना कि आज मार्केट बंद है तो बस ऐसे ही भटकेंगे रोड पे। और क्या सनी, कहाँ जाना है बताओ तो सही। लोग चल रहे हैं शिवपुरी। शिवपुरी, ओके, चलिए घूमते हैं शिवपुरी। हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया, हमें जाना था शिवपुरी बट हम लोग आ गए हैं लेडीज जोन। ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ पे देखें खुला है कि बंद है, एंड ये खुला है। लेडीज जोन में आए हुए हैं हम लोग, एंड रूमी स्लीपर्स देख रही है क्या लेगी अभी मालूम नहीं है, बस ऐसे ही देख रही है। अगर कुछ लेती है तो हम आपको दिखाएंगे। एंड सनी बिजी है फ़ोन पे। ओए फ़ोन घर क्यों नहीं छोड़ के आए जब घूमने जाना था तो? हाँ रखूँ पॉकेट में? हाँ ठीक है, नहीं तो मैं भाग जाऊँगी, घर के पास में ही हूँ अभी। ओके एंड आपको कुछ पसंद आ रहा है रूमी जी? ओके देखिए देखिए। लेडीज जोन में रूमी को कुछ भी पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने कुछ नहीं लिया। हम खाली हाथ लौट रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं लेडीज जोन आऊँ एंड मैं खाली हाथ जाऊँ। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कोई भी सामान लेने का, इसलिए नहीं लिया। एंड मैं आपको पूरा अच्छे से लेडीज जोन नहीं घुमा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर। एंड सेकेंड चीज़ कि हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं घूमने। सनी कितना दूर है, कितना दूर है? कमर की लग गई मेरी। का पीछे वाला पार्ट है। किस कॉलेज का? एन कॉलेज का ना। ओके कृपया दीवार पे कुछ चिपकाए नहीं तक ना, मतलब वो है सिंपल सिंपल सा दीवार दिख रहा है। एक दीवार वो वाला है हमारे कॉलेज के तरफ, एक ये देख लो। मतलब पता चल रहा है दोनों में डिफरेंस। सही है, ये कॉलेज का दीवार है, यहाँ पे लिख दिया गया है इसकी वजह से किसी ने नहीं चिपकाया है। एंड यहाँ पे नहीं लिखा गया है इसलिए चिपकाया गया है। सनी कुछ कहना चाहोगे? इस दीवार पे क्यों चिपकाया गया है, इतनी बेईमानी क्यों? इस पे कुछ नहीं, हाँ लिखा हुआ तो है वहाँ पे, इश्तेहार ना चिपकाया, पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की आएगी। क्या रोगी क्या है वो? की जाएगी। हमने पीछे छोड़ दिया शिवपुरी सब्जी मंडी को एंड यहाँ पे काफ़ी ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ थी। बस यही था कि मैं झोला लेके नहीं आई थी वरना आराम से सब्जियाँ भी ले ली थी। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ सनी बताएंगे, कहाँ जा रहे हैं? बेली रोड की तरफ। बेली रोड की तरफ, हमें कोई काम धंधा नहीं है बस ऐसे ही पगला रहे हैं सड़क पर। रूमी आप कुछ कहना चाहेंगी? फिलहाल कुछ नहीं, फिलहाल कुछ नहीं। दोस्तों हमारे साथ धोखा हो गया, मैंने सोचा ना कि उस ऊंचे वाले पे चलेंगे ना तो हम सेफ रहेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा इधर उधर चल रहे हैं उठपटांग सा एंड हमने सड़क छोड़ दिया। बाद में पता चला था कि यहाँ पे आते आते वो काफ़ी ऊंचा हो गया है एंड हमें कूदने में बहुत बड़ा मुश्किल लगा। सनी और ये तो कूद गई, मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी पसीना पसीना हो गई। तो
फाइनली दोस्तों हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं बोरिंग रोड में, संतुष्टि वाली गली में। एंड हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए गोलगप्पा। क्या है ना कि बहुत ज़्यादा चले हैं सो थक गए हैं एंड थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है हमें, एंड हमें समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। तो हम लोगों ने फाइनल किया है कि हम गोलगप्पा खाएंगे एंड उसके बाद घर जाएंगे। बहुत ज़्यादा चल रही है आज, थक गए हैं पूरे के पूरे। कम से कम एक घंटा तो चलाया है ये लड़का। कितना चला है सनी, एक घंटा चले है कि नहीं? आराम से एक घंटा सुपर ही चल रहे हैं। ओके, खुला है खुला है। हमें डर था कि यहाँ पे खुला नहीं होगा, बंद होगा, क्या बोलते हैं यार, पानी पूरी। हम लोग जैसे ही आए ना ये भीड़ बढ़ गई। पहले ये भीड़ नहीं थी, कम था भीड़, अभी भीड़ हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं खाने गोलगप्पा। थोड़ा तीखा बनाइएगा एंड थोड़ा सा नमक बढ़ा दीजिएगा। ओके, एंड पानी कम, क्या ना कि पानी वेस्ट हो जाता है ज़्यादा देते हैं तो। एंड ये दोनों तैयार हैं। फाइनली सनी के मुंह से मास्क हटा। क्यों नहीं खाओगे? अरे सूखा ले लो ना, प्रॉब्लम क्या है, मिर्ची लगती है। ऐसा ना हो कि ना आपके प्लेट से गायब करें। नहीं नहीं ऐसा ना करो, प्लेट लो। ये देखो आप, इतने भर के गोलगप्पा है, इस तरफ पानी रखा हुआ है, जो लोग खा लेंगे उसके बाद हाथ धो लेंगे। एंड ये है पानी गोलगप्पा वाला, ये है चोखा और वो सलाद वगैरह, उधर मसाले हैं। एंड ये है सूखा पापड़, गोलगप्पा खा लेने के बाद से मिलेगा। गोलगप्पा खा के हम लोग आए हैं चौराहा पे। यहाँ पे मिलता है खुला चाय पत्ती। चाय पत्ती लेना है मुझे, हमारे यहाँ की चाय पत्ती ख़त्म हो गई है एंड चाय पत्ती यहीं से जाती है। मैंने चाय पत्ती ले ली, ये देखो आप, मैंने थोड़ा ही चाय पत्ती लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। ये जो थोड़ा है ना ये काफ़ी दिन जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाला है। ये जो चाय पत्ती मैंने ली है ये है 400 रुपये के जी। एंड जो छुट्टे वाले चाय पत्ती होते हैं ना उनका जो टेस्ट होता है उसकी थोड़ी अलग ही बात होती है। एंड जो पैकेट वाले आते हैं उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। हमें छुट्टा वाला चाय पत्ती लेने की आदत है एंड हम उसी की चाय पीते हैं। एंड हम लोग इतना घूमें जो थक गए हैं। एंड आप देख सकते हो पूरा अंधेरा हो गया है एंड अब फाइनली हम लोग घर ही जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।